खबर सामने आ रही है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए हैं 411 IRS अधिकारियों के ट्रांसफर, और साथ ही पोस्टिंग यहां पर की गई है। राजस्थान में भी 21 अधिकारी इधर उधर किए गए हैं। अन्वेषण शाखा में भी अहम बदलाव किया गया है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सेल में भी नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। चालू वित्त वर्ष का सबसे बड़ा बदलाव, आने वाले दिनों में निचले स्तर पर भी ट्रांसफर होंगे, ये खबर सामने आ रही है। कोविड-19 के चलते फिलहाल रोक यहां पर लगी हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़े पैमाने पर तबादले यहां पर किए गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए हैं। कोविड-19 के चलते फिलहाल रोक लगी हुई थी, ये खबर सामने आ रही है। और आने वाले दिनों में निचले स्तर पर भी जो तबादले हैं, ट्रांसफर हैं, वो किए जा सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अंकित तिवारी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। अंकित, बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया गया है और ये खबर सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में निचले स्तर पर भी ट्रांसफर हो सकते हैं, क्या जानकारी, कौन से अहम नाम इस ट्रांसफर में सामने आए हैं? देखिए, बात की जाए तो आयकर विभाग की यह बड़ी तबादला सूची रही, और आयकर विभाग की तबादला सूची से साफ हो गया है कि अब कोविड-19 के असर से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उभर रहा है, और यही वजह है कि 411 बड़े पदों पर ट्रांसफर हुए हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में ना केवल PCCIT सेल, साथ ही DG इन्वेस्टिगेशन में भी बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं। इनमें मगेपना भूटिया, राज सिंह मील, सुरेंद्र कुमार मीना, शारदा मीना, महेश कुमार वर्मा, चेतराम मीना, अजितेश कुमार मीना, जगदीश शरण, मोनिशा, अनीता पिल्लई, पवन कुमार मीना, काजल सिंह, चंद्र प्रकाश शर्मा, देवांगी सुनकार, सुरेंद्र यादव, राजेश गुप्ता, कविता महावर यादव से कई ऐसे नाम शामिल हैं जो लगातार बेहतर काम कर रहे थे, और अब इन्हें नई पोस्टिंग दी गई है। और अन्वेषण शाखा में अधिकारियों का कद बढ़ाया गया है, तो जाहिर है अन्वेषण शाखा और प्रभावी तौर पर काम करेगी, जिससे आने वाले दिनों में छापेमारी के साथ साथ राजस्व वसूली के तौर पर भी देखा जा सकता है। और वहीं जो अन्य कार्मिक जिन्होंने अपने आवेदन अभी PCCIT सेल में दिए हुए थे, उन निचले स्तर के कार्मिकों में ट्रांसफर होगा, तो जाहिर है आयकर विभाग अब कोविड-19 के असर से उभरते हुए छापेमारी अभियान भी तेज करेगा। जी बिल्कुल अंकित, देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान के लिहाज से भी 21 अधिकारी इधर उधर किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी फिलहाल देने के लिए।